दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोलटॉक का यूट्यूब चैनल। मैं हूं संतोष कुमार पांडे। आज चर्चा कर लेते हैं फिर एक राजनीति के रंगबाज की, उस रंगबाज की जिसको सभी जानते हैं और कोई छोटा मोटा राजनीति में कैरियर नहीं है। 1990 से शुरू हुआ कैरियर 2020 तक चल रहा है और वो हमेशा चर्चा में रहा। एक चुनाव वह हारा है 2019 में, लेकिन अभी भी चर्चा में बना हुआ है। आइए उसकी हम बात कर लेते हैं। और वो रंगबाज कोई और नहीं है, उसका नाम है राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। बिहार के पप्पू यादव 5 बार सांसद रहे, 1 बार विधायक रहे और इनकी पत्नी भी सांसद रह चुकी हैं। यही एक ऐसा जोड़ा है जो 2014 में मोदी लहर में भी बिहार में लोकसभा का चुनाव जीत गया था। मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, इन 5 जिलों में जो कोशी के इलाके हैं वहां पर पप्पू यादव की खूब चलती है, क्योंकि पूर्णिया से खुद 3 बार सांसद बने थे पप्पू यादव और सिंहेश्वर स्थान से पहली बार 1990 में निर्दलीय विधानसभा का चुनाव जीत लिया था और 91 में उन्होंने पूर्णिया से लोकसभा के चुनाव में ताल ठोक दी थी। इतना ही नहीं, पप्पू यादव शुरुआती दिनों में किसी पार्टी में नहीं थे और उसके बाद 1991 के बाद 1996 में उन्होंने सपा से पूर्णिया ही लोकसभा सीट से अपनी ताल ठोक दी और वो फिर चुनाव जीत करके मैदान में आ जाते हैं। पप्पू यादव ने पूर्णिया से चुनाव 3 बार जीता। पूर्णिया में 1991, 1996, 1999 में पप्पू यादव ने 3 बार चुनाव जीता लोकसभा का और यहीं से चर्चा होने लगती है पप्पू यादव के कद की, पद की और पावर की। पप्पू यादव का इन 5-7 जिलों में इस तरह क्रेज बन जाता है राजनीति में कि बड़े बड़े दिग्गज भी चुनाव इनके सामने हारने लगते हैं। 3 बार के सांसद पप्पू यादव मधेपुरा की तरफ चले जाते हैं और मधेपुरा में ये चुनाव लड़ते हैं। 2004 में लालू प्रसाद यादव ने मधेपुरा सीट को छोड़ दिया था और उस उपचुनाव में पप्पू यादव जीत जाते हैं। पप्पू यादव 2004 में जीतते हैं लेकिन 2009 में उन्हें हार मिलती है और फिर 2014 में उन्हें जीत मिल जाती है। पप्पू यादव लगातार राजनीति में बने हुए हैं। 2019 में मधेपुरा से वो चुनाव हार जाते हैं। दरअसल मधेपुरा में यादवों की लड़ाई में पप्पू यादव को हार मिल जाती है। शरद यादव को पप्पू यादव ने चुनाव में हरा दिया था। कहानी बड़ी रोचक है। पप्पू यादव बिहार में पिछले वर्षों में कोई बड़ी घटना हुई होगी उसमें खड़े हुए मिले और चर्चा में बने रहे। बिहार में पप्पू यादव अब पूरे बिहार की बात करने लगे हैं। पूर्णिया के खुर्दा करवेली में पैदा होने वाले पप्पू यादव अब चर्चा में रहते हैं। लगातार आप देख रहे होंगे उनके जो घटनाएं हैं, उनका जो काम है वो दिखने लगा है और यह रंगबाज लगातार चर्चा में बना रहा। बेऊर जेल से लेकर के पटना की बेऊर जेल से लेकर के दिल्ली की तिहाड़ जेल तक इनका सफर अगर आपको जानना है, इनकी किताबें भी आ चुकी हैं। जेल किताब में इन्होंने पूरी चीजों को विस्तार से लिखा हुआ है। लेकिन रोचक बात यह है कि पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव पर ही हमलावर रहते हैं। लगातार उन पे इनका हमला जारी रहता है, राजद के खिलाफ रहते हैं। लेकिन पप्पू यादव अब चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। 2019 के चुनाव के बाद ये माना जाने लगा था कि पप्पू यादव का कद अब घटने लगा है, लेकिन पिछले दिनों बिहार में पटना में जब बाढ़ आई और लॉकडाउन के दौरान बिहारी प्रवासी मजदूरों को बिहार ले जाने की जब बात होने लगी, ऐसे में पप्पू यादव का कद बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा है। यादव 5-7 जिलों में सहरसा, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया और मधेपुरा में अपना आधिपत्य रखते हैं। पत्नी को 2019 में सुपौल में हार मिल जाती है क्योंकि वो कांग्रेस से चुनाव मैदान में थी और पप्पू यादव अपनी पार्टी से। पप्पू यादव किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं और खुद अपना दल बना चुके हैं और उस दल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। छात्र राजनीति से लेकर के सांसद तक का जो सफर रहा है वो बड़ा ही रोचक रहा है। कहानियां इनकी बहुत सारी हैं, लेकिन आपको यह जानकारी शायद पता नहीं होगा और उन्हें 2015 में बेस्ट सांसद का अवार्ड भी मिल चुका है।
शरद यादव जैसे नेता को उन्होंने चुनाव मैदान में हरा दिया था। पप्पू यादव का कद बढ़ता चला जा रहा है। लगातार इस रंगबाज की कहानी आपको सुनने में मजा आ रहा होगा। यह रंगबाज जिसके नाम पर कभी पुलिस थरथराया करती थी, बताया जाता है कि पप्पू यादव का नाम लेने के बाद बिहार की पुलिस की हालत खराब हो जाती थी। कहानियां बहुत सारी हैं, लेकिन उस रंगबाज की कहानी बस यही है कि राजनीति का यह रंगबाज है जिसने दल नहीं पकड़ा, निर्दल होकर के लोकसभा, निर्दल होकर के विधानसभा का चुनाव जीतने का मादा रखता था। लेकिन आज पप्पू यादव किसी भी दल में नहीं है, अपने दल बना चुके हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लगातार हम आपको राजनीति के रंगबाजों की कहानी सुनाते रहेंगे। ये कहानी आज यहीं खत्म होती है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।